नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 22 अप्रैल 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आज की करंट अफेयर्स की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और डाउनलोड कर सकते हैं और सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में IIT ने किस राज्य में हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब ये लगाया है हिमाचल प्रदेश में, तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी शिमला है। अब बात करते हैं हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम की। ये हिमाचल प्रदेश की मंडी में लगाया गया है। यह इसको बनाने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के द्वारा बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य डाटा स्टोरेज में तेजी लाना और अधिक मात्रा में अधिक डेटा को स्टोर करना। ये तकनीकी स्प्लिटोनिक तकनीकी पर निर्भर करता है एवं कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लाइसेनिया करसे का निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर है वे फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे तो बात करते हैं फिजी के। फिजी की राजधानी सुवा, मुद्रा फिजियन डॉलर, वर्तमान प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनीमा रामा है। अब बात करते हैं लाइसेनी करसे की। ये फिजी देश में 2002 से 2006 तक छठवीं प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यभार संभाले थे और ये संस्था लेवेनी वानुआ पार्टी के भी संस्थापक रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी शिमला है। अब बात करते हैं ई संजीवनी OPD की। इसका मेन उद्देश्य बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने के लिए उपलब्ध कराना। इसमें टीम में कुल 16 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? इसका आंसर है मछली के गलफड़ों का। इसको बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के अंतर्गत नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा मदद की गई है। बात करते हैं NCST इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान की। इसकी स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके वर्तमान सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा हैं। अब बात करते हैं रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी की। इसको बनाने में करीब करीब फिश गिल्स मछली के गलफड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों और भंडार प्रौद्योगिकी जैसे फ्लू सेल, बायो फ्लू सेल और मेटल एयर बैटरी को विकसित करने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 21 अप्रैल को। अब बात करते हैं सिविल सर्विस डे। ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। ये पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। ये पहली बार 1947 में दिल्ली के मटका पाउच में स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को संबोधित करने और उनकी याद में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालन मंडल की 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका आंसर है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की। न्यू डेवलपमेंट बैंक की इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई। इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष KV काथम है। अब बात करते हैं, ये संस्करण 5वीं वार्षिक बैठक थी। इस सम्मेलन न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक थी। ये NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया। अब ब्रिक्स देश की बात हुई तो ब्रिक्स देश में 5 देश शामिल है, जिसमें से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स देशों के गठन में दक्षिण अफ्रीका बाद में जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कितने
राज्य में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की गई? इसका आंसर तीन राज्य में, वह तीन राज्य कौन कौन से? मुंबई, मेघालय और उड़ीसा। अब ये सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई, तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुआ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो कि 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब बात करते हैं ये तीनों राज्य के, तीनों राज्य में पहले नंबर में मुंबई है, इसमें न्यायमूर्ति दीपकांता दत्ता को नियुक्त किया जाएगा, ये भूषण धर्माधिकारी के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। दूसरे नंबर पर मेघालय, मेघालय उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विश्वनाथन सोमदत्तन हैं जो कि मोहम्मद शरीफ का स्थान लेंगे। तीसरे नंबर में उड़ीसा, उड़ीसा में न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक हैं जो कि संजीव पांडा के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ, वह किस कंपनी के अध्यक्ष एवं सीईओ थे? इसका आंसर है बीएमडब्ल्यू इंडिया। अब ये बीएमडब्ल्यू इंडिया के थे, तो बात करते हैं बीएमडब्ल्यू की, इसका पूरा नाम वावेरियन मोटर वर्क्स, इसकी स्थापना 1916 में हुई, इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है, इसके वर्तमान सीईओ नॉर्बर्ट रेथोफर हैं। अब बात करते हैं बीएमडब्ल्यू इंडिया का संचालन, पहले भारतीय रुद्र तेज सिंह थे, इनका देहांत हार्ट अटैक के कारण हुआ था, ये 1 अगस्त 2019 में बीएमडब्ल्यू इंडिया के पद पर कार्यभार अपना संभाला था। ये 16 साल से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग एजेंसी में यूनिलीवर के लिए काम किए हैं। बीएमडब्ल्यू इंडिया से पहले ये रॉयल इनफील्ड में ग्लोबल प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 21 अप्रैल को। अब देखते हैं ये विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस है क्या, जिसको वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मना कहते हैं, ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता था। इसका मेन उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों के संबंध में समस्या समाधान एवं रचनात्मक एवं नवाचार कार्य के लिए लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसकी शुरुआत 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो में हुआ था, जो 27 अप्रैल 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 अप्रैल को मनाने की घोषणा की थी। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस प्रदेश में डेप्रिजो ब्रिज का गठन एवं निर्माण किया है? इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश में। अब इसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अब बात करते हैं इस रोड की, इस ब्रिज की, इस ब्रिज को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है, यह सुबनसिरी जिले के सुबनसिरी नदी के ऊपर करीब करीब 430 फीट की लंबाई पे इसको बनाया गया है, इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर है कपिल देव त्रिपाठी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के नए सचिव कपिल देव त्रिपाठी की, ये संजय कोठारी का स्थान लेंगे। अब बात करते हैं कपिल देव त्रिपाठी आईएएस ऑफिसर हैं जो कि 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, ये 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पद पर भी कार्यभार संभाल चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहक के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च किया है? इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने। अब वॉइस बैंकिंग सेवा आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया, तो बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, इसकी इसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1994 में हुई, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, इसके वर्तमान सीईओ एवं प्रबंध निदेशक संदीप बख्शी हैं। अब वॉइस बैंकिंग सेवा अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर कार्य करेगा। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन, हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है? इसका आंसर है 1.9%।
अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का। क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? आपके पास चार ऑप्शन है, चार के चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, और सही ऑप्शन को फुल डिटेल के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। फुल डिटेल के लिखने से आपको इस प्रश्न का उत्तर या फिर जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक आपको याद रहने की संभावना होती है। इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट डाउन करें। नोट डाउन करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में याद रहता है। ये रहे आज के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। और तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।